हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। आज हम ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉम जोमेटो। कई सारे ऐप है, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, पर जोमेटो में मेरे को काफ़ी सारी अच्छी डील मिल जाती है। बोले तो अटरम शटरम जितने भी कूपन होते हैं सब लग जाते हैं। आज मेरा मन है मसाला डोसा मंगवा के खाने का, क्योंकि घर पर मंगवाने पर काफ़ी ज़्यादा मेरे को सस्ता पड़ता है और अच्छा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जाओ और सारा टाइम वेस्ट करो, उससे बढ़िया आप घर पर मंगवा लीजिए। तो मैं आज मंगवा रहा हूँ जायका रेस्टोरेंट पार्टी हॉल से, जो मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 5.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से मैं मंगवा रहा हूँ मसाला डोसा। यहाँ से मैं कई बार मंगवा चुका हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। और यहाँ का जो रेटिंग है 4.1 है, और जो लोगों ने रेटिंग कर रखी है वो 15,000 से ऊपर है। बोलो तो 14.5 से ऊपर ज़्यादा रेटिंग है। और आप देख सकते हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी अच्छी है। इन्हें बाय का तो मेंशन किया हुआ है कितने कितने ml का ये चीज़ ये दे रहे हैं, मैं कितना ml आपको सामान मिलेगा, कितना ml आपको चटनी मिलेगी, और कितना ml आपको ये ग्रीन चटनी मिलेगी, कितने ml आपको रेड चटनी मिलेगी। तो मैंने सोचा दो इसमें यहाँ पे आइटम मैं ऐड कर लेता हूँ, दो मसाला डोसे के। फिर उसके बाद मैं दो मसाला डोसों को ऐड कर लिया। जब मैं चेकआउट कर नहीं रहा था तभी मेरे को इडली और वड़ा भी दिख गया, तो मैं सोचा क्यों ना इसको ऐड करके और उसको मैं निकाल देता हूँ, एक मसाला डोसे को निकाल देता हूँ, और एक मसाला डोसा और एक इडली वड़ा हो गया ये अपना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 50% ऑफ है गोल्ड मेंबर्स के लिए। अगर आप गोल्ड मेंबर है तो 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, पर एक सर्टन रेट के बाद। और इसमें मेरे पास 25 रुपीज़ का वो भी पड़ा हुआ है कूपन, तो उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक मसाला डोसा हो गया 120 का, और 100 रुपीज़ का मेंदू वड़ा और इडली। तो देखिए हमने 90 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ का कैशबैक का जो कूपन है, अटरम शटरम कूपन बोलता हूँ मैं उसको, लगा लिया है हमने। और हमारा जो बिल बना है मात्र 127 रुपये का। ये देखिए 127 रुपये में एक मसाला डोसा और प्लस इडली वड़ा हमारे घर पर आएगा। तो चलिए हम इसकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हमने इसको वेटिंग पे लगा दिए, देखते कब तक आता है। तो लीजिए हमारा आ गया है पार्सल, जोमेटो वाले भैया हमको दे गए हैं। और आप देख सकते हैं जायका वाले का जो पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसकी जो ब्रांडिंग है इनके पैकेजिंग में दिखती है। जो पैकेजिंग होती है फर्स्ट टाइम पे ही इंसान को इम्प्रेस कर देती है कि कितनी अच्छी इसकी पैकेजिंग है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं ये 13 सालों से ये सर्विस दे रहे हैं हमारे मुंबई में। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी से इन लोगों ने ब्रांडिंग रखी है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और ये हमारा बिल है जिसमें लिखा हुआ है कि इडली वड़ा और एक मसाला डोसा है। तो चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह से इन लोगों ने दिया है और किस तरह से इसकी पैकेजिंग है। तो ये देखिए ये आ गया है हमारा मसाला डोसा, सिंगल मसाला डोसा है, और उसको काफ़ी अच्छे से रैप किया हुआ है, और आप देख सकते हैं गर्म है। और ये हमारा है बॉक्स जिसमें इडली और वड़ा है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। काफ़ी गर्म है, अभी छूने में से भी मालूम पड़ रहा है कि गर्म गर्म वड़े निकाल के दिए होंगे। और ये चटनी, यह है कोकोनट की चटनी, और साथ में दिया है ना सामर। और पैकेजिंग देखिए कितनी बढ़िया पैकेजिंग है, ज़रा सा भी लीक नहीं है, लीक प्रूफ है ये। और इसकी जो ml लिखा हुआ है बायकायदा लिखा हुआ है, दो हमने दो मंगवाए हैं तो उसका 200 ml का था, पर हमने दो मंगवाए तो हमको 400 ml का सामर का पैक मिला है, और ये हमको मिला है 200 ml का कोकोनट चटनी। और ज़रा भी लीकेज नहीं है, आप देख सकते हैं कितना भी हिला लो बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। और ये साथ में मिली हमको स्पाइसी चटनी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, एक दो बारी हम इसको यूज़ कर पाते हैं बोलो तो खा पाते हैं। और ये है ग्रीन कोकोनट चटनी, और वाइट कोकोनट चटनी और ग्रीन में बस ये अंतर है कि वो थोड़ा सा धनिया लगा हुआ है और कुछ नहीं है, सेम टेस्ट है दोनों का। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। पैकेजिंग देखिए कितनी बढ़िया है, नीचे बटर पेपर लगा वो भी इनके ब्रांड का है जायका का, ये देखिए। और इसके अंदर रखिए इडली वड़े और डोसा। तो चलिए डोसे को भी हम ओपन करके देख लेते हैं किस तरह का ये हमको डोसा दिया है। ये देखिए इस तरह का डोसा है, और उसमें काफ़ी अच्छी कोकोनट ऑयल की खुशबू आ रही है। और अंदर से हम देख लेते हैं क्या है अंदर से। आप देखिए इसके अंदर जो स्टफिंग है काफ़ी अच्छी दी गई है, इसके अंदर टमाटर प्याज और काफ़ी सारी वेजिटेबल है, मटर भी दिख रही है, और काफ़ी सारी चीज़ों को इन लोगों ने अच्छे से दिया। आप देखिए 127 रुपये में आपको घर बैठे कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। और थोड़ा सा सौगी हो गया डोसा, क्योंकि जिस तरह से कड़क आपको रेस्टोरेंट में मिलता है वो घर पे आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते वो थोड़ा सौगी हो जाता है। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही अच्छा जायका है, जायके का रेस्टोरेंट का। और ये है इसका सामर। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और चटनियों को भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग करी है, और सामर की आप क्वान्टिटी और क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ चटनी, ये है ग्रीन चटनी, काफ़ी गाढ़ी दिख रही है आप देख सकते हैं। और ये है रेड चटनी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, और इसके अंदर लहसुन का काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। आप सांभर दे सकते हैं कितना गाढ़ा है, और काफ़ी सारी वेजिटेबल डली हुई है, काफ़ी अच्छा सांभर है। और साथ में आप दे सकते हैं चटनी, ये वाइट चटनी है और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, काफ़ी थिक है,
क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। और ये है ग्रीन चटनी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। मैं ऑनलाइन फूड मंगाता हूँ तो उसको रिव्यू जरूर करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, जैसे आपको भी समझ में आए कि किस तरह की पैकेजिंग चल रही है और किस तरह का मुंबई में सामान मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।